स्वागत है आपका एलएनबी टीवी में। लोकतंत्र का पर्व मतदान दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के वातावरण में जहां पूरे प्रदेश में मनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भी जमकर लोगों में उत्साह रहा, मतदाताओं में उत्साह देखा गया। यहां पर 894,448 मतदाता इस दमोह जिले में निवासरत हैं, चारों विधानसभा में, जिसमें से 6,59,987 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अगर आंकड़ों की बात करें, प्रतिशत की बात करें, तो यहां 73.79% मतदान दर्ज किया गया है। पुरुषों में 75.74% पुरुषों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो महिलाओं में 71.65% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 1181 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए थे और जिसमें 114 सेक्टर ऑफिसर अपनी सेवाएं दे रहे थे। भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा और निगरानी चल रही थी। कहीं किसी अप्रिय घटना की कोई शिकायत यहां पर जिले भर में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर नहीं आई। प्रातः से ही लोगों में खासा उत्साह देखा गया। खासा उत्साह था युवा मतदाताओं में। युवा मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर अपने मतदान का मताधिकार का प्रयोग किया। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर जे विजय कुमार ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वहीं पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी दमोह विधानसभा 55 के जयंत कुमार मलैया ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोगों में खासा उत्साह देखा गया और जिले भर में हमने एलएनबी की टीम ने जाकर सर्वे किया, लोगों से मिले, देखा लोगों में जो उत्साह था वह काफी बढ़ चढ़कर उनके मताधिकार के प्रयोग के रूप में उभर कर सामने आ रहा था। पिंक बूथ भी बनाए गए थे काफी बड़ी संख्या में, जहां महिलाओं ने अपनी सेवाओं को दिया। वहीं दूसरी ओर दिव्यांग बूथ भी इस समय बनाए गए थे। दिव्यांगों ने भी बढ़ चढ़ कर इस मतदान के लोकतंत्र के पर्व में अपनी सहभागिता दिखाई। आइए एलएनबी टीवी के माध्यम से हम आपको दिखलाते हैं जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार लोगों ने, मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देखते रहिए एलएनबी टीवी। लोकतंत्र का पर्व मतदान दिवस 28 नवंबर को बड़े ही हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। यहां जिला निर्वाचन अधिकारी तथा कलेक्टर डॉक्टर जे विजय कुमार और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पूरे जिले भर में काफी उत्साह का वातावरण बना हुआ था मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। नव युवक मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर डॉक्टर जे विजय कुमार और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, और वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तथा दमोह के विधानसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जयंत कुमार मलैया अपना मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा क्योंकि वीवीपैट जो मशीन थी कुछ देर के लिए खराब हो गई। और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इंतजार करते हुए सूबे के वित्त मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के दमोह विधानसभा 55 के प्रत्याशी जयंत कुमार मलैया, और अब यह अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं एलएनवी टीवी के माध्यम से हम आपको यह सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। सभी अवश्य ही मतदान करें। और क्या कहते हैं जयंत कुमार मलैया, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे और यहाँ तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इस बार चुनाव कुछ अलग रहा, वो तो सब हर एक का अपना अपना पार्टी का ढंग है प्रचार करने का, इसमें कोई बात नहीं।
के मामले में क्या कहेंगे, महिलाओं के लिए बनाए गए कितने सेक्टर? अब मुझे इसका ज्यादा आइडिया है नहीं। नगर के एक मतदान केंद्र में जहां जयंत कुमार मलैया अपना मतदान करने पहुंचे थे, वहां एक महिला अधिकारी बेहोश हो गई। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा, फिर वह सब कुछ सामान्य हो गया। महिला को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और फिर आगे सब कुछ सामान्य हुआ। लोकतंत्र के पर्व में दिव्यांगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बजरिया वार्ड नंबर 7 वोट डाल के आ रहे हैं आप, कि किस तरह से आए थे आप? बहुत परेशानी से आज टांग के लाए, आटू से लाए। अच्छा अच्छा, आप चल नहीं सकते? 2 साल से परेशान। अच्छा अच्छा, वोट डाल कर कैसा लगा? अच्छा लगा। जिले भर में बड़ी संख्या में पिंक मतदान केंद्र भी बनाए गए थे। आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं हटा नगर के। हटा विधानसभा क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में पिंक मतदान केंद्र बनाए गए थे। यह सीधे तस्वीरें पिंक मतदान केंद्र की, जहां काफी बड़ी संख्या में महिला जो यहां पर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वह अपनी सेवाएं दे रहे हैं और काफी आकर्षक ढंग से इन मतदान केंद्रों को बनाया गया। सीधे तस्वीरें LNV टीवी के माध्यम से हम आपको दिखला रहे हैं। विधानसभा 2018 आज 28 नवंबर को मतदान होने जा रहा है और हम खड़े हैं इस समय पे हटा विधानसभा क्षेत्र में, हटा नगर में, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पिंक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये पिंक मतदान केंद्र में अधिकांश महिला मतदाता जो कर्मचारी हैं वह अपनी सेवाएं यहां दे रही हैं और काफ़ी सारी व्यवस्था इस बार भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के परिपालन में की गई है। यह सीधी तस्वीरें आपको हम दिखला रहे हैं हटा विधानसभा के पटेरा नगर के एक मतदान केंद्र की, जहां काफ़ी उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है। आप स्वयं देखें किस प्रकार लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार यहाँ मतदाता कर रहे हैं। LNV की टीम ने फिर रुक किया दमोह नगर का, दमोह विधानसभा 55, जहां मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हरदेपुर मतदान केंद्र, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2018 आज संपन्न होने जा रहे हैं और आज 28 नवंबर को दिन भर मतदान का क्रम चला। हम इस समय खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा 55 के हरदेपुर मतदान केंद्र पर, जहाँ पर 4800 के लगभग मतदाता हैं और जानकारी जो है वह लगभग 3 बजे की, जहां 2900 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान लगातार बढ़ रहा है और चुनाव आयोग की जो कोशिशें हैं वह रंग ला रही हैं। युवाओं में काफी उत्साह यहां देखा जा रहा है। सुरक्षा के भारी इंतजाम और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जे विजय कुमार तथा पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल संयुक्त रूप से पूरे जिले भर में उन सारे मतदान केंद्रों का भ्रमण करते हुए देखे जा रहे हैं, जहां पर संवेदनशील है, कहीं कुछ घटना दुर्घटना ना हो जाए, वह सारी स्थिति पर नज़र उनकी बनी हुई आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, सभी जगह भ्रमण कर रहे हैं दोनों अधिकारी। 73.79% मतदान दमोह जिले में दर्ज किया गया है। ताज़ातरीन समाचारों के लिए देखते रहिए LNV टीवी, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज़। नमस्कार।